ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ବାଲା ଗୁପଚୁପ୍, ଦେନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଇଭିନିଂର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। हल्का रख दे, बेसी नहीं। कौन मत पूछ बाटे काटे मत पूछ मा हेलो फ्रेंड्स नमस्ते। आज ये वीडियो एक्चुअली मैं आज हिंदी में बोलने जा रही हूँ क्योंकि एक वीडियो में हेयर कट वीडियो में मेरे बहुत सारे कमेंट्स लाइक्स एंड व्यूज आए थे, उसके लिए मेरे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। एक्चुअली आज मैं हिंदी क्यों बोल रही हूँ क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैं हेयर कट क्यों की, तो आज का ये वीडियो उसके ऊपर ही है। तो मैं हेयर कट आखिर क्यों की, इतने लंबे हेयर थे तो क्यों कट की। तो शायद उस वीडियो में जो जो कमेंट किए थे हमारे उड़ीसा के नहीं है तो उड़िया शायद समझ नहीं पा रहे। तो मैं हिंदी बोलने से पहले बोल दूँ कि मैं हिंदी में इतने कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं तो एक उड़िया हूँ और उड़िया में रोज़ बात करती हूँ, हिंदी तो कभी कभी क्या मैं बात ही नहीं करती हूँ, इसलिए हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो कुछ भूल है जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। तो मैं हेयर कट इसलिए की क्योंकि एक्चुअली हमारे लड़कियों की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, तो मेरे दोनों ही प्रॉब्लम हो गए थे।
स्किन प्रॉब्लम देख सकते हैं, बहुत सारे स्पॉट हैं, ब्लैक स्पॉट, पिंपल्स हो गए थे बहुत सारे, अचानक ही बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे, हेयर भी बहुत सारा बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा हेयर रख के क्या फ़ायदा, आखिर मैं क्या करूँ, केयर तो नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं हेयर केयर नहीं करती थी तो इसलिए हेयर फॉल हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हेयर केयर तो नहीं करती, पहले भी नहीं करती थी, लेकिन हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। शायद मेरा हार्मोन इम्बेलेंस हो गया है तो पिंपल्स भी अचानक बहुत ज़्यादा हो गया था, हेयर फॉल भी बहुत होया, तो इसलिए मैंने सोचा कि हेयर कट कर लूँ। तो हेयर कट तो पहली बार की हूँ मैं, मतलब हेयर स्टाइल, तो कुछ हेयर स्टाइल मैं पहली बार की हूँ, तो सोचा कि कुछ अलग ही हेयर स्टाइल कर दूँ। तो क्योंकि मेरा लंबा हेयर था तो मैं थोड़ा सा ही कट करती थी, तो मैंने सोचा बहुत ही छोटा कर लूँ। एक्चुअली हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम क्यों होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि टेंशन में रहना और हेयर का स्किन का केयर न करना, लड़कियों के पीरियड्स जो होते हैं वो भी एक रीज़न है, और हार्मोन इम्बेलेंस होना, ज़्यादा ऑयल फूड खाना, ऐसे बहुत सारे है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा हार्मोन इम्बेलेंस ठीक नहीं है इसलिए हो गया, क्योंकि अचानक हो रहा है, तो बहुत टेंशन में आ गई थी तो इसलिए हेयर कट कर ली। तो एक्चुअली किसी को छोटा हेयर पसंद है, किसी को लंबा हेयर पसंद है, मेरा तो बहुत लंबा हेयर था, अगर हेयर फॉल ना होता तो मैं बिल्कुल कट नहीं करती, क्योंकि तो मुझे नहीं पता आपको हिंदी मेरी समझ में आती है कि नहीं, क्योंकि हिंदी मेरा थोड़ा क्लियर नहीं है और कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप लोग इसलिए बने हूँ हिंदी में, तो भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। और क्या बोलूँ, तो मैं सोचती हूँ कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। आप रहती हूँ, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।